नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के ऊपर। आप ऐसे कई लोग जानते हो, डिपार्टमेंट स्टोर दुनिया का एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर के बाद जो इंडस्ट्री नई नई आई पर ये इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ किया दुनिया भर में, वो इंडस्ट्री है दोस्तों इंटरनेट एंड कैटेलॉग रिटेल। दोस्तों अब तक डिपार्टमेंट स्टोर की कई कंपनियां वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में आती जाती थी, जिसमें वॉलमार्ट की नाम की कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर है। लेकिन दोस्तों इंटरनेट कैटेलॉग रिटेल का जो लॉन्च हुआ जस्ट 2-3 दशक पहले, आज दोस्तों यह सेक्टर की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बन चुकी है और पुराने रिटेलर भी आजकल यही इंडस्ट्री पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखें क्या यह इंडस्ट्री भारत में भी ग्रोइंग है, क्या यह इंडस्ट्री भारत में ग्रो करेगी, अगर करेगी तो भारत में कौन सी कंपनियां है, अगर कुछ कंपनियां है तो उसमें से कौन सी लिस्टेड कंपनी है और इनका क्या किया जाए। राइट फ्रेंड्स, चलिए सब दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल इंडस्ट्री को जानने के लिए। दोस्तों ये इंडस्ट्री दुनिया भर में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। टॉप 5 कंपनीज अगर हम देखें इस इंडस्ट्री में से, टॉप 5 दोस्तों, उनका एवरेज धंधा करीबन 8 से 10 लाख करोड़ है। तो एवरेज धंधा 8 से 10 लाख करोड़, यानी ये बड़ी कंपनियां हुई 8 से 10 लाख करोड़, यानी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी 6 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। तो भारत की सबसे बड़ी से ये सारी कंपनियां है, राइट, दे आर ह्यूज बिग कंपनीज। दोस्तों टॉप 5 कंपनीज का अगर हम एवरेज मार्केट कैप देखें तो 40 लाख करोड़ का इंडिविजुअल सबका मार्केट कैप है। अगेन दोस्तों इसको निफ्टी 50 से भी कंपेयर करें तो निफ्टी 50 मिलके 50 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और ये टॉप इंडिविजुअल कंपनियां अकेले की मार्केट कैप 40 लाख करोड़। एवरेज एम्प्लॉय इनके 4 लाख करोड़ नहीं आएगा, है ना, गलती लिखी है। एवरेज एम्प्लॉय 4 लाख है दोस्तों, मतलब एवरेज हर एक कंपनी में 4-5 लाख एम्प्लॉयज है। दोस्तों अंदाजित एवरेज ये सारी कंपनियां की शुरुआत यानी फाउंडिंग हुआ था 1999 के करीब, तो दोस्तों करीबन 2 दशक पुरानी ये सारी कंपनियां है। टॉप 5 कंपनियां अगर हम देखें तो उसमें से 3 US की है, 2 चाइना की है। जैसा हम देखें दोस्तों चाइना की 2 कंपनियां दुनिया की टॉप 5 ई कॉमर्स में एंट्री ले चुकी है। कौन सी है ये भी अभी देखेंगे, पर इतना तो जान ले कि चाइना का नंबर लग गया टॉप 5 में। जीडीपी जो उनकी इतनी बड़ी, जीडीपी पर कैपिटा जो बड़ा, उसकी वजह से दोस्तों ये कंट्री की कंपनियां भी दुनिया की बड़ी कंपनियों में पहुंच गई। दोस्तों टॉप 10 कंपनियां देखे तो आप देख सकते हो 6 US और 4 चाइना की आ गई है, राइट। तो यस, चाइनीज कंपनियों को जबरदस्त लाभ हुआ क्योंकि पॉपुलेशन तो था ही वहां पे, पॉपुलेशन के साथ जैसे इंडिविजुअल इनकम बढ़ी, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ी, जिससे कंपनियों को फायदा हुआ दोस्तों, राइट। टॉप 50 कंपनियां, 50 कंपनियां अगर हम ले तो उसमें 30 कंपनियां US की है, राइट, आधे से ज्यादा। 6 कंपनियां चाइना की है, बाकी अलग अलग कंट्रीज की एक एक है। हमारे भारत की भी एक कंपनी है, कौन सी है चलो बताओ, इंडिया की या फ्लिपकार्ट, आप जानते ही हो, है ना, फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी, दुनिया की टॉप 50 में फ्लिपकार्ट का नाम है, 30वें नंबर पे है, राइट। आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा लिस्ट भी मैंने आपको दिया है, 1 से लेके 50 तक की सब टॉप की कंपनियां। Amazon, as you can see, दोस्तों करीबन 20 लाख करोड़ का धंधा, ह्यूज, रिलायंस से 3 गुना, 7 लाख के करीब एम्प्लॉय, 68 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप। हम जानते हैं अभी रिलायंस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ हुआ था, उसने हाई लगाया था, राइट, 7 गुना ज्यादा दोस्तों। यूएस की ये कंपनी 1994 में इट वॉज फाउंडेड। दूसरी दोस्तों गूगल, जिसको आप जानते ही हो, रोज यूज करते हो दोस्तों, करीबन 9 लाख करोड़ का टर्नओवर, यस ये भी इस साल तो मेरे को लगता है 10 लाख करोड़ आ गए होंगे, 1 लाख एम्प्लॉइज, मार्केट कैप 55 लाख करोड़, अगेन फ्रॉम US। दोस्तों चाइना की जो 2 कंपनियों की मैंने बात बताई थी वो है JD.com और अलीबाबा, राइट। JD अगेन एक ई कॉमर्स, एक रिटेलर, अलीबाबा का टफ कॉम्पिटिटर दोस्तों,
देख पा रहे हो कितना टर्नओवर, 5 लाख करोड़ का धंधा था इनका, ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉइज दोस्तों, राइट। चौथे नंबर पे अलीबाबा, राइट, अलीबाबा का टर्नओवर भी ऑलमोस्ट इस साल 5 लाख करोड़ पार हो चुका होगा दोस्तों। अलीबाबा और जेडी, ये दो कंपनियां चाइना की टॉप 5 में है दोस्तों। पांचवी है आपकी फेसबुक, जिसको अगेन आप यूज करते हो दोस्तों, यूएस की कंपनी। 10 सेंट पबजी, राइट दोस्तों, 10 सेंट चाइना की कंपनी, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों। ये JD.com में भी 10 सेंट का अच्छा खासा निवेश है दोस्तों। नेटफ्लिक्स आप यूज करते ही हो दोस्तों, आप अभी इंडिया में भी ये बहुत स्ट्रॉन्गली लॉन्च हुआ है दोस्तों। देखो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा करते ये लोग, राइट। यूएस की कंपनी, ह्यूज मार्केट कैप, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी रिलायंस जितना मार्केट कैप नेटफ्लिक्स का है। पेपाल, पहली पेमेंट की कंपनी ना, जो बहुत बड़ी दुनिया भर में जिसने पेमेंट सिस्टम ई कॉमर्स के साथ अटैच किया, और आपके जो कौन सबसे फेमस पर्सनालिटी आपके सोलर कार वाले है ना, पेपाल के ही फाउंडर थे वो भी, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों। देखो बुकिंग, राइट, अब ऐसी कंपनी इंडिया में भी है, पर वर्ल्ड वाइड जो है ये booking.com जो धंधा करते हैं दोस्तों, देखो वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में आ गए। बाइडू, चाइना का अपना ब्राउजर है ना, गूगल जैसा। ईबे, यूएस की कंपनी। सेल फोर्स फ्रॉम यूएस, एक्सपीडिया, ब्लूमबर्ग, एडोब, उबर, राइट, बाइट डांस, देखो ये सारी कंपनियां हैं टॉप 50 में जिनके नाम आते हैं। इंडिया किधर है, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी, राइट, मार्केट कैप नहीं है क्योंकि लिस्टेड नहीं है ये। ट्विटर 32 पे, गो डेडी अपने नाम सुना होगा, एयरबीएनबी या गोइंग पॉपुलर नाउअडेज इन इंडिया आल्सो, ट्रिप एडवाइजर, राइट। अब ये सब कंपनियां देख के आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में भी क्या इसी प्रकार से कुछ कंपनियां काम कर रही है। अगर दुनिया भर में ये सारी कंपनियां वर्ल्ड नंबर 1 पर हुई है, तो भारत में भी कौन सी कंपनियां है जो इनके पथ पे चल रही है, सक्सेसफुल है, अच्छा धंधा कर रहे हैं। अभी हो सकता है लिस्टेड ना हो, पर आने वाले समय में ये कंपनियां बड़ी बनेगी, ये कंपनियां भी लिस्ट होगी, राइट। चलो देखिए इंडिया का क्या हाल है दोस्तों, ये है इंडिया की कंपनियां दोस्तों। इंटरनेट यूजर बेस भारत का सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में, सिर्फ चाइना के बाद दोस्तों। चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़, हमारा 130 करोड़। हमारा इंटरनेट यूजर बेस आज सेकंड है, 2-3 साल में हम चाइना को पॉपुलेशन में बीट करने वाले हैं, हो सकता है इंटरनेट यूजर बेस में भी धीमे धीमे करें। आज 60 करोड़ हमारे इंटरनेट यूजर बेस है दोस्तों। ई कॉमर्स यूज करने वाले उसमें से बंदे कितने, बहुत कम। यूएस में देखें तो यूएस के पॉपुलेशन में जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं दोस्तों, 85% पीपल आर ई कॉमर्स क्लाइंट, मतलब वो ई कॉमर्स के यूजर है। इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, हम बहुत लो पेनेट्रेटेड है दोस्तों। फ्रांस भी देखो तो 81%। अब यूएस के 26 करोड़ लोग ई कॉमर्स के यूजर है। इंडिया भले 130 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें से चलो 60 करोड़ लोग इंटरनेट भी यूज करते हैं, ये 60 करोड़ में से खाली 6 करोड़ लोग ई कॉमर्स के यूजर है, तो बहुत कम है। अभी खाली 10% यूजर हुआ ना, किसका 10%, इंटरनेट का 10%। पर दोस्तों हर साल 60 लाख टू 1 करोड़ नए यूजर रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं, तो ये फिगर जबरदस्त बढ़ेगी और आने वाले टाइम में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन जाएगा इंटरनेट बेस्ड सेलिंग का दोस्तों। भारत, यस हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया में, यह यंग पॉपुलेशन को इंटरनेट यूज करना बाखूबी आता है दोस्तों। इसीलिए दुनिया भर की ये जो कंपनियां है ना, इनका ध्यान इंडिया में है, क्योंकि इंडिया हाईली पॉपुलेटेड, ये वही इंडिया है जहां पे यंग लोग है यानी कमाने वाले लोग है, ये वही इंडिया है जिनकी आज इनकम बहुत कम है, पर यस यही इंडिया की इनकम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये जो आज का नागरिक है इंडियन, ये 2030 आते आते ये रिचेस्ट लोग होंगे। तो दोस्तों इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि भारत के जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में इनकी ऐप आ जाए। पिछले साल दुनिया में जितनी ऐप डाउनलोड हुई, भारत में सबसे ज्यादा हुई, तो दोस्तों सक्सेस भी है ये लोग, राइट। यस इट्स बिजनेस, तो कोई डाउट ही नहीं है, दुनिया भर की कंपनियों का ध्यान यहाँ पे है क्योंकि भारत
बाजार सबसे बड़ा बनने वाला है ई कॉमर्स का। दोस्तों अभी भी ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी प्रीफर्ड पेमेंट है 75% ट्रांजेक्शन सीओडी के हो रहे हैं। सोचो जस्ट अभी भी हम इंटरनेट पे पेमेंट से घबरा रहे है कि नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियां भारत में कौन सी? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मयांत्रा, पेटीएम, स्नैपडील, यस आपकी अलीबाबा भी है राइट। ये सारी कंपनियां भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में है। चलिए दोस्तों हम इंडिया में क्या चल रहा है फॉक के अलावा, इंडिया में क्या चल रहा है ये जरा चेक करें। ई कॉमर्स में नंबर वन पे आ गई अमेजोन। दोस्तों फ्लिपकार्ट थे नंबर वन पे, आज कौन नंबर वन आ गए? अमेजोन। अमेजोन ने 9,000 करोड़ दोस्तों पैसा डाला है, फेंका है, ताकि वो इंडिया को पेनेट्रेट कर सके। सोचो अभी सिर्फ 6 करोड़ यूजर है जो बटे हुए होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अली बाबा, अलग अलग कंपनियों में। 2030 आते आते भारत में भी 60 करोड़ यूजर होंगे। अब से जो पैसे डालेगा वो कंपनी के ज्यादा यूजर होंगे। अभी तो ये खेती करे बगर की जमीन है, ये सब लोग आके खेती करेंगे। फ्लिपकार्ट 65,000 करोड़ वॉलमार्ट ने डाला। फ्लिपकार्ट ये हमारी इंडिया की कंपनी जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस था इंडिया में, और तगड़ा कंपीट किया था इसने अमेजोन को। लेकिन वॉलमार्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है उसको इंडिया में लॉन्च होना था। देखो दोस्तों उन्होंने रास्ता कौन सा अपनाया, ई कॉमर्स का। डिपार्टमेंट स्टोर से ज्यादा उनको अभी कॉन्फिडेंस ई कॉमर्स में है। दोस्तों उन्होंने 65,000 करोड़ फ्लिपकार्ट में इसलिए लगाया है क्योंकि अब तक इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन की टक्कर थी। अब फ्लिपकार्ट ही अगर हमारा हो गया तो हम और ऑटोमेटिकली टक्कर वाली कंपनी के साथ आ गए राइट। तो फ्लिपकार्ट यानी वॉलमार्ट, अभी तो वॉलमार्ट अमेजोन इन दोनों की टक्कर रहेगी आने वाले टाइम में भारत में। दोस्तों चाइना का अलीबाबा भी भारत में बढ़िया धंधा कर रही है, मेजर ये लोग होलसेलिंग में है। पेटीएम, यस अगेन अवर इंडियन कंपनी, लेकिन सॉफ्ट बैंक का 30,000 करोड़ का निवेश आया, यस जापानीज बैंक जिसका टेंसेंट में निवेश है, जिसने बरसों पहले चाइना में ये पहचान लिया था कि चाइनीज कंपनियां बड़ी होगी, उसने चाइनीज कई कंपनियों में निवेश किया। देखो चाइनीज कंपनियां कहां से कहां आई है, इवन अलीबाबा में उनका निवेश था। इंडिया में भी यही सॉफ्ट बैंक का ध्यान है दोस्तों। देखो पेटीएम में पैसा लगा दिया है, कितना कम नहीं, ह्यूज क्वांटिटी। जेबोंग, मायात्रा दोनों ऑलरेडी फ्लिपकार्ट ने टेक ओवर कर चुके, ये बड़ी कंपनियां है दोनों। जोमेटो इट्स अ फूड एग्रीगेटर, 7वें नंबर की बड़ी कंपनी भारत की, 25% हिस्सा इसमें इन्फो एज ने बरसों पहले लिया था, आज ये लोग उसका लाभ लेंगे। मेक माय ट्रिप, देखो जैसे दुनिया भर में booking.com है, क्लियर ट्रिप है, वैसे इंडिया में भी कौन है, मेक माय ट्रिप है कि नहीं। तो मेक माय ट्रिप बढ़िया धंधा कर रही है। दोस्तों इसमें से मेजोरिटी ऑफ कंपनीज आज लॉस मेकिंग होगी बिकॉज दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अभी अपने पांव लगा रही है। जैसे धीमे धीमे ये लोगों का नेटवर्क फैल जाएगा फिर ये लोग प्रॉफिट पे ध्यान देंगे राइट। तो जोमेटो, मेक माई ट्रिप, ये सारी कंपनियों में आपने देखा हो तो अभी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं राइट, नन ऑफ दिस कंपनीज आर लिस्टेड। ये सारी कंपनियां आने वाले टाइम में लिस्टेड होगी, जैसे इनका बेस बढ़िया बनेगा, इनको लगेगा कि ये सब हम लिस्ट होंगे तो बढ़िया पैसा आएगा, दैट टाइम दे विल लिस्ट राइट। मेरे हिसाब से 4-5 साल में नहीं, 2-3 साल में ही हम मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों को तो लिस्टिंग में देखेंगे। पेटीएम, पेटीएम आनी चाहिए, फ्लिपकार्ट, स्विगी 9वें नंबर की कंपनी, जोमेटो में से ही अलग हुई हुई। नास्पर का देखो 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नेस्पर साउथ अफ्रीकन कंपनी है जिसने दुनिया भर की बड़ी इसी प्रकार के स्टार्टअप में निवेश किया है। दोस्तों शॉप क्लूज 2011 में स्टार्ट हुई, बुक माई शो देखो 1999 में शुरुआत हुई, आज बुक माई शो का मेजर मार्केट शेयर है टिकट बुकिंग में, है ना। देखो अभी पेटीएम ने भी ये बुक माई शो का लॉन्च किया है, तो अभी दोनों में थोड़ी कंपटीशन हो रही है। ईबे, क्लियर ट्रिप योर टिकट बुकिंग कंपनी, कैरेट लाइन ज्वेलरी की कंपनी, इन्फीबीम इंडिया की अगेन ई कॉमर्स, गांधीनगर हमारे गुजरात की कंपनी, ये भी क्राफ्टली टोगो फोगो मोबाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बेचते, क्रोमा स्टोर ये लोग भी दोस्तों ई कॉमर्स में आ गए। क्रोमा यानी टाटा, टाटा रिटेल में तो है तो रिटेल ई कॉमर्स में भी ये लोग है दोस्तों। ये ई कॉमर्स में डिमांड भी आ गया है, रिलायंस भी आ गया है, सबका ध्यान यहाँ पे है। स्मार्ट शॉपर आपकी आईआरसीटीसी, देखो मैंने आईआरसीटीसी इसलिए लिखी है, क्यों लिखी है,
क्योंकि IRCTC भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी में और इंटरनेट टिकटिंग में तो है ही ना, उनका 50% धंधा तो इंटरनेट टिकट से आ रहा है, राइट। फूड डिलीवरी में भी ये बढ़िया कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पता नहीं आपको अब तक IRCTC का खाना अच्छा लगता था कि नहीं, पर ये एक बढ़िया ऑप्शन अब आ गया है। अब जैसे आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो ट्रेन में, आपको IRCTC का खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर वो जो सिटी आ रही है उस सिटी का फेमस खाना भी मंगवा सकते हो, राइट। दे आर डूइंग गुड। ग्रूफर्स, यहाँ पे भी अगेन सॉफ्ट बैंक और सिक्विया का बढ़िया निवेश आया है, राइट। तो ये सारी कंपनियां ये इंडिया में जबरदस्त बढ़ रही है। हम आने वाले 10 साल में इनमें से कई कंपनियों को भारत की टॉप 20 कंपनी में देखेंगे और इनमें से कई कंपनियां लिस्ट होगी। तो अब ध्यान किधर दे, लिस्टेड तो सब है नहीं, तो हम कहां पे देखें, लिस्टेड कौन है दोस्तों इंडिया में, राइट। ये कुछ कंपनियां लिस्टेड है, देखो इंटरनेट एंड कैटलॉग अभी क्यों इतना बड़ा सेक्टर नहीं है लिस्टिंग में, क्योंकि ज्यादातर आ रहा है अनलिस्टेड कंपनियों से धंधा, अभी ये सब की शुरुआत हुई है। जैसे ये लोग कमाएंगे धीमे धीमे लिस्ट भी करेंगे, राइट। देखो IRCTC करीबन 2000 करोड़ का धंधा कर रहा है, इन्फो एज करीबन 1300 करोड़ का धंधा, बाकी कंपनियां कुछ देखने लायक बहुत खास नहीं है। प्रॉफिट भी कौन कर रहा है, यही दो कर रहे हैं, इन्फो एज गुड प्रॉफिट 592 करोड़। इनफैक्ट जब से इनका IPO आया था तब से हमारा ध्यान है, लास्ट एक डिकेड से वी आर रेगुलरली वॉचिंग इन्फो एज एंड वी आर इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग फॉल, राइट। इन्फो एज हमारे भी रडार पे है। IRCTC जस्ट भी IPO आया और आपने देखा क्या ह्यूज सक्सेस इनको मिला है दोस्तों। इन्फो एज में आप देख सकते हो 122 करोड़ का निवेश था, आज 600 करोड़ तो सालाना प्रॉफिट करने लगी है। सो गुड वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड इन दिस न्यू इंडस्ट्री ऑल्सो, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी ये सब कंपनियां कोई धंधा नहीं कर रही है, कोई देखने की जरूरत नहीं है इनको, राइट। मार्जिन वाइज देखे अगेन ये दो ही आपको मिलेगी, इन्फो एज और IRCTC गुड मार्जिन, इन्फो एज का तो डाउट ही नहीं, बढ़िया मार्जिन है। दिस बोथ कंपनीज आर डेब्ट फ्री, देखो IRCTC पैदा हुई तब से डेब्ट फ्री है, जब से उसका इंसेप्शन हुआ है, पैदा हुई है, उसने कभी भी लॉस नहीं किया है। दे हैव मेड कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड दे आर डेब्ट फ्री सिंस इंसेप्शन। सेम फ्रेंड्स, इन्फो एज वेरी गुड मार्जिन, डेब्ट फ्री कंपनीज, बहुत ही चैलेंजिंग इन लोगों की इंडस्ट्री है क्योंकि नई इंडस्ट्री है, पैसा चाहिए इधर, पर फिर भी ये लोग प्रॉफिट अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, गुड ROE। तो ध्यान हमारा इन्फो एज और IRCTC पे ही मेरे ख्याल से रहना चाहिए। ग्रोथ अगर इन कंपनियों का देखे तो देखिए इन्फो एज का ग्रोथ कमाल का है, 66% के ग्रोथ से पिछले 10 साल से बढ़ रही है, यानी हर 2 साल में धंधा डबल, प्रॉफिट हर साल डबल, राइट। 100% के CAGR से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बाकी कोई कंपनी देखने लायक नहीं है। IRCTC 10% के CAGR से इनके धंधे और प्रॉफिट बढ़े, राइट। इन्होंने रिटर्न क्या दिए, राइट। चलिए रिटर्न की अगर बात आती है तो इन्फो एज ने पिछले दशक में 33% के CAGR से रिटर्न दिया है, यानी आपको अच्छा खासा पैसा बाहर आ गया है। दोस्तों डिविडेंड देखे तो इन्फो एज हर साल करीबन 10-12% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। एक्सपांशन मोड पे है अभी, तो कई कंपनियों में ये लोग निवेश करते जा रहे हैं, तो सी दे आर गुड, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा उड़ा रहे थे। आप IFFT देखो, इतना अच्छा नहीं कर रहे ये लोग काम, फिर भी 50% रुपया डिविडेंड में बांट देते हैं, इन्वेस्टर खुश होते हैं, वी आर गिविंग मी गुड डिविडेंड, पर क्या फायदा, फिर नए धंधे के लिए लोन लेनी पड़े या बाहर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एटलीस्ट इन्फो एज मैनेज कर पा रहा है धंधा बाहर के निवेश नहीं होने के बावजूद भी, उनको जरूर नहीं है बाहर का इतना सारा निवेश लाए, और डेब्ट वगैरह ये लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन वी शुड फोकस ऑन दिस इन्फो एज। IRCTC ये तो देखो 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंटर को पैसा तो चाहिए ही, हर साल पैसा हर एक कंपनी में से जाएगा ही, आज से नहीं बरसों से ये तो चलता जाएगा। बट सी, इनको करना भी चाहिए बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग, कोई डेब्ट नहीं है, तो फिर क्यों वही सेंटर ने तो पैसा लगाया था बरसों पहले, राइट। तो जो सरकार ने पैसा डाला है, सरकार पैसा भी कमा रही है अच्छा खासा इससे। इस साल क्या हाल है, तो देखो इस साल इन्हीं कंपनियों के धंधे और प्रॉफिट कैसे है, इन्फो एज 16% से ये साल भी बढ़ा है, ये 9 महीने में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ, इस साल इन्होंने लॉस किया, ये 9 महीने में लॉस है, और मेरे हिसाब से ये 9 महीने लॉस है, ये साल शायद लॉस कर सकते थे, अब तो पक्का करेंगे शायद,
क्योंकि कोरोना इफेक्ट भी ऑलरेडी पिछला एक महीना खा गया होगा इन लोगों का, राइट। देखो क्या होता है, ये साल इनका लॉस है, ये हमें फैक्ट कबूल करना पड़ेगा, लॉस है। उसमें कारण भी ये है कि कुछ चार पांच कंपनियां इनकी ऐसी थी, ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जो खुद ने जो क्रिएटिव अलग अलग साइट्स की है, उसके अलावा इनको और कोई स्टार्टअप्स मिलते हैं, ये स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं, जैसा इन्होंने ज़ोमैटो में निवेश किया, पॉलिसी बाजार में निवेश किया। दोस्तों अच्छी कंपनियों में भी निवेश होता है, कई बार बुरी कंपनियों में भी निवेश हो जाता है। तो कुछ कंपनियां जो कंसिस्टेंट जिनके धंधे नहीं बढ़ रहे थे और लॉस कर रही थी, वहां पे इन लोगों ने इस साल प्रोविजनिंग किया है, दे हैव बुक देयर लॉसेस, तो यही उनके इफेक्ट बता रही है। ऑलरेडी इन्फो एज की एक ही कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है और वो है नौकरी, बाकी जो दूसरी सारी कंपनी है वो तो अभी भी लॉस कर रही है। हम देखेंगे आने वाले टाइम में भी उनको भी प्रॉफिट करता हुआ, राइट। IRCTC देखिए 23% का धंधा बढ़ा है, 66% से प्रॉफिट बढ़ा है, ह्यूज ग्रोथ ट्रेंड। बढ़िया रहता ये कोरोना नहीं आता तो ये कंपनी तो दौड़ने वाले थे जबरदस्त, क्योंकि हर प्रकार से ये लोग बढ़िया कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। तो ये था कुछ सेक्टर के बारे में। मेरे हिसाब से यू शुड फोकस ऑन इन्फो एज एंड IRCTC, ये दो कंपनियां हुई हमारे लिए। चलिए ये दोनों कंपनियों को अगर थोड़ी और गहराई से देखा जाए तो मैंने थोड़ी डिटेल भी दी है Naukri.com की, चलो थोड़ा जूम कर लो तो कोई आप लोग देख भी सको। देखिए Naukri.com जैसा मैंने बताया, मैं डिस्क्लोजर बता दूं, मैं कह रहा हूं इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, मेरा तो निवेश बरसों से है और मैं इस कंपनी में बरसों से निवेश कर रहा हूं, पर मुझे कुछ इसके रिस्क भी पता है, वो रिस्क आपको भी ध्यान रहने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। इन्फो एज दोस्तों ऑलमोस्ट 800 करोड़ का टर्नओवर इनको Naukri.com से आ रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा Naukri.com एक बढ़िया इनका लॉन्चिंग था, यानी रिक्रूटमेंट सर्विसेज ऑनलाइन कंपनी। दोस्तों 75% मार्केट शेयर आज रिक्रूटमेंट कंपनियों में ये Naukri.com का है, सो दे आर डूइंग वंडर, कोई डाउट नहीं है। 6 करोड़ रिज्यूम है आज इस कंपनी के पास, और आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट सर्विसेज और अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि भारत में जॉब्स की तो सबसे ज्यादा कमी रहनी चाहिए। क्यों कमी रहनी चाहिए? क्योंकि इतने सारे यंग लोग बाहर निकलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से कि जॉब की तो जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। दिस कंपनी शुड ग्रो वेरी वेल। सेकंड है 99acres.com जो इन्होंने बरसों पहले लॉन्च की थी। दोस्तों दोस्तों 30 लाख पेड लिस्टिंग, 30 लाख पेड लिस्टिंग इस कंपनी की है। जीवन साथी .com 74 करोड़ का टर्नओवर। दोस्तों शिक्षा 48 करोड़ का टर्नओवर। तो ये दोनों एक छोटी कंपनियां हैं, पर आने वाले टाइम में देखो इस साल भी इन लोगों ने, आपने एड देखी होगी जीवन साथी की, मेरे ख्याल से ये लोग बहुत ही एग्रेसिव हुए हैं 99acres और जीवन साथी दोनों में, राइट। धंधे बढ़ने चाहिए। इसके अलावा ये तो इनकी खुद की कंपनियां हुई सब्सिडरीज है, इसके अलावा इन्होंने कई कंपनियों में निवेश भी किया हुआ है, जैसे 1000 करोड़ रुपया तो इन लोगों ने दूसरी कंपनियों में डाला है, जिसमें 150 करोड़ Zomato में डाला था इन्होंने। दोस्तों 28% का इनका स्टेक है Zomato, यानी आप देख सकते हो दोस्तों 15 लाख रेस्टोरेंट के साथ इन लोगों के टाइप है, 1 लाख डिलीवरी बॉयज है आज इनके पूरे भारत भर में। ये 1 लाख तो मैं पिछले साल की फिगर बता रहा हूँ, अभी इस साल तो काफी ग्रोथ हुआ है। पॉलिसी बाजार आप देख पा रहे हो, ह्यूज सक्सेस है ये भारत की इंश्योरेंस में, 600 करोड़ अंदाजे से इन लोगों ने निवेश किया है टोटल, 16% स्टेक इन लोगों का है। तो ये भी आने वाले टाइम में देखो, अभी तो लॉस ही कर रही है, बिकॉज दे आर एक्सपांडिंग। आने वाले टाइम में Zomato, पॉलिसी बाजार, ये सब एक बड़ी कंपनी भरकर बाहर आएगी, राइट। मेरिट नेशन एजुकेशन की कंपनी, शॉप किराना रिटेल में 13 करोड़ डाला है, 16% का स्टेक है। ग्रेमोफोन, विश बुक, शू कनेक्ट, राइट, आप देख सकते हो अलग अलग कंपनी में इन लोगों का कितना निवेश है। वी कैन होप इन कमिंग 5 to 10 ईयर इसमें से, देखो इतनी सारी कंपनियों में निवेश किया ही, इसके अलावा भी इन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है, 2-3 कंपनियां तो ऐसी बड़ी होगी कि नहीं, राइट। सो दे आर डूइंग गुड, नो डाउट ऑन इट। आने वाले समय में हम बढ़िया देखेंगे, इस साल 2000 करोड़ का टर्नओवर इन सब में से मिला है, ये 1000 करोड़ के निवेश पे 2000 करोड़ धंधा मिला, सो दे आर डूइंग गुड। हालांकि लॉस हुआ है 2600 करोड़ का, इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं किया ये सारी कंपनियों ने, तो ये लॉस निकालो
ये सब कंपनियों का लॉस निकालो, फिर भी प्रॉफिट में इसलिए है क्योंकि नौकरी.com प्रॉफिट कर रही है, राइट। तो सोचो जब आने वाले समय में जब ये सारी कंपनियां भी प्रॉफिट में आएगी, वी कैन सी ए गुड फ्यूचर ऑफ नौकरी.com। पर यस, चैलेंजिंग टाइप में चैलेंजिंग भी ज्यादा पड़ सकता है क्योंकि ज्यादातर कंपनियां लॉस कर रही है, बराबर की नहीं। तो दोनों तरफ से तैयारी रखने की, फिर लॉस आए आप बोलो अरे ये लॉस क्यों कर रही है, आधा हो गया तो होगा ही भाई, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, बराबर है। क्यों पता चल गया ना आपको, देखो 2002 से डेटा दिए, ये डेटा मैंने आशिम ने अभी जस्ट ये शीट रखी थी वही शीट मैंने यहाँ पे रखी हुई है, राइट। सी 2002 में 4 करोड़ का धंधा करते थे, 2010 आते आते 230 करोड़ का धंधा करने लगे, राइट। तभी जब आईपीओ आया, वी सॉ दैट कंपनी इज ग्रोइंग वेरी वेल। कंपनी में के इनिशियल टाइम लॉस मेकिंग थे, एक बार प्रॉफिट में आने के बाद इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। 2017 में इन्होंने एक बार लॉस किया था, तो जस्ट देखो पिछले 18 साल में 4 बार लॉस किया है, हो सकता है आने वाले 18 साल में भी 3-4 साल ऐसे लॉस के आ जाए, राइट। तो तैयारी रखने की इस चीज की, हैबिट बता रही है इनका धंधा कभी नहीं घटा, खाली 2017 में इनका धंधा डाउन हुआ था, राइट। तो धंधा तो मतलब ये इनका क्यों इतना अच्छा चल रहा है, बिकॉज ई कॉमर्स इज हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, पर प्रॉफिट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसी वजह से इनके भाव भी हाई वॉलेटाइल थे। अब देख सकते हो इन्होंने 2 बार बोनसेस दिए हैं, बढ़िया पैसा कमाए होते अगर हमने इसमें आईपीओ के समय से निवेश किया होता। 33% के सीएजीआर से शेयर का भाव बढ़ा है, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन विद कंसिस्टेंट डिविडेंड, राइट। हम क्या आशा रखेंगे इस कंपनी से, देखो ये 9 महीने तो मैंने बता दिया है, राइट, 14% का धंधा बढ़ा, इस बार प्रॉफिट नहीं किया है, लॉस किया है, हो सकता है 2020 हम लॉस मेकिंग ही देखे, तो लॉस मेकिंग देखे तो वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे, है ना। मेरे हिसाब से 2030 आते आते ये कंपनी 10,000 करोड़ के टर्नओवर में जरूर अपना नाम टिक कराएगी, राइट। मैं इसका भाव भी करीबन इसकी रेंज में जरूर देखूंगा, यानी 15,000 का मैं इसका टारगेट रख सकता हूँ, राइट। फॉल में खरीद सकते हैं हम इसको, 15,000 का टारगेट रखे। देखिए ये कंपनी 50 मेमा पे ही हम लोगों ने भी ऐड करने को बोला था, जस्ट अभी ये फॉल में 50 मेमा आके गई, है ना। अब यही एक चॉइस है, देखो चॉइस बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है नौकरी, वी कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ फॉल। ये बाकी कोई कंपनियों में निवेश करने की जरूरत नहीं है, IRCTC यस यू कैन इन्वेस्ट इट, मैंने आपको इसमें तो बताया ही ऑलरेडी पहले से, लेट मी जूम इट, राइट। आईपीओ के समय में भी हमने बताया इट्स अ वेल्थ क्रिएटर, अगेन मैं आपको याद करा दूं, सिंस इंसेप्शन इन्होंने कभी लॉस नहीं किया है, सिंस इंसेप्शन दे मेड प्रॉफिट्स, सिंस इंसेप्शन दे हैव गिवन यू डिविडेंड्स, राइट। तो बढ़िया पैसा बनना चाहिए, राइट। आज इसका ईपीएस 17 का है, ये साल देखो 67% का ग्रोथ है, तो ये साल 24 का ईपीएस होगा, मैं आशा रखूंगा 80 ये 2030 में आते आते इसका ईपीएस हो जाएगा, राइट। So, पैसा तो बनना है इधर भी, ये दोनों कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंपनियों की हमने पहले बात की, ये सारी कंपनियां अगर लिस्ट होती है डेफिनेटली हम इनके डेटा देख के ग्रोइंग इंडस्ट्री मान के जरूर इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर डूइंग गुड, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्टर। कल मीटिंग खत्म करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इवेंट बता दूं, कल यानी 5 तारीख रविवार सुबह 9:59 को रिजल्ट मीट है, 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ हैदराबाद के लिए। तो दोस्तों ये हर साल जो हम हैदराबाद आके मिलते हैं, इस बार हम डिजिटली मिलेंगे, यू ऑल कैन ज्वाइन दिस मीटिंग, एंड 10th अप्रैल वी वुड बी मीटिंग विद दुबई इन्वेस्टर्स, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद टू एवरीबॉडी, स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी, जय हिंद।